हेलो दोस्तों, मैं मान्या एम्पैक्स बिजनेस आइडिया आज आपके लिए एक नया कैमरा लेकर आया हूँ जो आपका ब्लूलेक्स कंपनी का है। काफ़ी अच्छा कैमरा है, काफ़ी हाई क्वालिटी के अंदर है और इसका जो बैकअप है दोस्तों काफ़ी अच्छा है। कम से कम 4 से 5 घंटे का बैकअप होने वाला दोस्तों। मिनी कैमरा है, पॉकेट कैमरा है, इसको आप रूम में, ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अपने सिक्योरिटी के पर्पज़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कैमरा है, इसकी अनबॉक्सिंग हम करने वाले दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले ऐसे नए नए कैमरे, नए नए गैजेट आप तक पहुंच सके। इन कैमरों का आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहे बिजनेस भी कर सकते हैं, हमसे परचेज करना चाहे परचेज भी कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो हम कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देंगे, कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई इंक्वायरी चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारा डाला होगा उसके अंदर आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरी है और कैमरे कैसा दिखता है इसके अंदर, वो सब मैं चीज़ें दिखाने वाला हूँ आपको दोस्तों। ओपन करते हैं इसको, वीडियो को, कैमरे को। सबसे पहले दोस्तों दिखाता हूँ आपको, ये कैमरा है दोस्तों काफ़ी हैवी क्वालिटी के अंदर है, काफ़ी हाई क्वालिटी के अंदर है, HD क्वालिटी के अंदर है, नाइट विजन के अंदर है। और दोस्तों इसके अंदर ऑडियो वीडियो के साथ आप खाली ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, 25 से 30 घंटे की आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं इस डिवाइस से, और ऑडियो वीडियो दोनों कर सकते हैं, 4 से 5 घंटे का रिकॉर्डिंग है। और दोस्तों इसको हमें चार्ज आपको यहाँ से करना होता है, चार्जिंग पॉइंट दिया गया है इसके अंदर, यहाँ से आपको आधे घंटा 1 घंटा चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम। 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर के चार्जर से चार्ज करना है, फास्ट चार्जर यूज़ नहीं करना है। और दोस्तों इसके बाद इसके अंदर कार्ड स्लॉट दिया गया है, यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड डालना है, 4 से लेकर 32 GB तक आप कार्ड डाल सकते हैं इसके अंदर, 32 GB कार्ड सपोर्ट करता है। फोटो मोड दिया गया है इसके अंदर, रीसेट का ऑप्शन भी दिया गया है, ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, फ्लैश ऑन करने का ऑप्शन दिया गया है, वीडियो मोड दिया है, सेव का ऑप्शन दिया गया है और खाली ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी एक बटन दिया गया है, इसके अंदर खाली ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या कैमरे को ऑन करना है, उससे पहले दोस्तों इसके बॉक्स के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या एक्सेसरी है। इसके बॉक्स के अंदर दोस्तों एक डाटा केबल है जिससे आपको चार्ज करना है, डाटा ट्रांसफ़र भी करेगा इस केबल के थ्रू। एक आपको यूजर मैनुअल मिलने वाला है, इसमें इसके चलाने के सारे तरीके बताए हैं, मगर मैं आपको वीडियो में ऐसे बता दूंगा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं मैनुअल को देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको हम इसके अंदर पहले मेमोरी कार्ड डालते हैं, हमने 32 GB का कार्ड ले लिया है, इसको हम यहाँ पर प्लग करेंगे इसके अंदर, प्रेस करेंगे चला जाएगा, प्रेस करेंगे नेल से प्रेस करना है तभी बाहर आएगा, ठीक है। तो हमने इसको प्रेस कर दिया, ये लग गया कार्ड इसके अंदर। उसके बाद हमें दोस्तों ये वाला बटन है इसको ऑन करना है, यहाँ पर लाइट जलेगी, ये आपका लाइट ऑन हो चुका है। आप कैमरे को रोटेट भी कर सकते हैं, आप घुमा भी सकते हैं कैमरे को रूम के हिसाब से, अगर रूम में लगाना है तो आप कैमरे को ऐसे भी घुमा सकते हैं। और आपको कैमरे को अपने यहाँ सेट कर देना है, जैसे यूज करना है पॉकेट में लगा के, रूम में छुपाना है तो ऐसे यूज करना है, आपको कैमरे को घुमा के ऐसे रूम में भी छुपा सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ऑन कर दिया डिवाइस को, अभी रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए हमें ये वाला बटन ऊपर करना है, वीडियो मोड पर करना है तभी रिकॉर्डिंग चालू होती है। जब हमने इसको ऊपर कर दिया तो ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगा, ये आपकी ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर रहा है, काफ़ी हाई क्वालिटी के अंदर रिकॉर्ड कर रहा है। इसका मैं आपको डेमो वीडियो आपको प्ले करके भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों, तो इसकी वीडियो हम बना लेते हैं पहले। हेलो 1 2 3 हेलो हेलो, ठीक है। हमने लैपटॉप की रिकॉर्डिंग कर दी है, हमने अपने शॉप की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड होने के बाद हमने इसको सेव कर देना है नीचे करके, ये हमने वीडियो आपका सेव हो चुका है आपका। और खाली ऑडियो बनाना है तो इसको ऊपर करेंगे तो आपका ऑडियो मोड पर चला जाएगा, ऑनली ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है आपका डिवाइस ये अभी। तो हमने ऑडियो भी बना लिया, पिक्चर क्लिक करना है तो हम पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं, जितने बार क्लिक करेंगे उतने पिक्चर ले लेगा ये आपका, ठीक है। तो अब इसको हम ऑफ कर देते हैं, इसको हम ऊपर करके उसको ऑफ करना है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है आपको, डिवाइस आपका ऑफ हो गया, लाइट ऑफ हो गया, मतलब डिवाइस आपका ऑफ हो चुका है। अब मैं इसकी मेमोरी कार्ड निकाल के आपको लैपटॉप में इसका डेमो वीडियो दिखाता हूँ, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है कैसी वो दिखाने वाला हूँ। हमने इसको लैपटॉप में लगा दिया और अपने को माई कंप्यूटर में जाना है, ऐसा ड्राइव बना हुआ आ जाएगा आपका, ये वीडियो का फोल्डर आ गया, फोटो का फोल्डर आ गया, ऑडियो का फोल्डर आ गया इसके अंदर। हमें इसको ओपन करना है, ये फाइल रिकॉर्ड हो चुका है, इसको हम VLC में भी प्ले कर सकते हैं, विंडो मीडिया में भी प्ले कर सकते हैं, जो आपके लैपटॉप में उस पर प्ले कर सकते हैं आप। जब हमने इसको ऊपर कर दिया तो ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगा, इसके साउंड क्वालिटी ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर रहा है, काफी हाई क्वालिटी के अंदर रिकॉर्ड कर रहा है। इसका मैं आपको डेमो वीडियो आपको प्ले करके भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों, तो इसकी वीडियो हम बना लेते हैं पहले। हेलो 1 2 3 हेलो हेलो, ठीक है। हमने लैपटॉप